हेलो एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन कम्युनिटी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में। आप लोग देख रहे हैं एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल का यूट्यूब कोर्स, जिसमें आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि ज्योमेट्री का पार्ट 7 वीडियो है, नया टॉपिक इसलिए क्योंकि अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे सर्कल्स, और सर्कल्स को मैं 3 वीडियो में कवर करूंगा। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था ज्योमेट्री एक वास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके 4 प्रश्न फिक्स्ड है, 4 प्रश्न बहुत मायने रखते हैं, 25 में से 4 प्रश्न यानी कि लगभग 16% क्वेश्चंस आपके ज्योमेट्री के ही आते हैं। और आपके एसएससी सीजीएल के मेंस एग्जाम में भी ये ज्योमेट्री जो है एक अच्छा बेस बनाता है, ताकि आप वहां पे भी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। यही नहीं, मेंसुरेशन में भी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो ज्योमेट्री के यूज होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। जहां तक मैं बात करूं सर्कल्स की, तो सर्कल्स को हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। पहले वीडियो में मैं इसके एंगल्स से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वो लूंगा, प्रॉपर्टीज भी हम यहां पर देखेंगे। सेकंड में हम क्वाड्स से रिलेटेड यानी कि जीवा से रिलेटेड जितने प्रश्न होते हैं वो हम देखेंगे। तीसरे वाले में टेंजेंट और लेंथ ऑफ टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, जितने भी टेंजेंट संबंधित प्रश्न होते हैं यानी स्पर्श रेखा संबंधित प्रश्न होते हैं, उसको हम तीसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो ये सर्कल्स को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि SSC, CGL एंड CHSL का बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ आपका प्रिपरेशन यहां पे हो रहा है, जिसमें कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिया गया है। तो केवल सब्सक्राइब करके आप सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं। चलिए, इन्हीं कुछ बातों के साथ अब मैं स्टार्ट करता हूं आज के इस लेक्चर को, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे यहां पर एंगल, ठीक है, सर्कल्स के एंगल्स रिलेटेड क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, तो आप लोग यहां पर सर्कल्स हेडिंग डाल सकते हैं अपने नोटबुक पर, ठीक है, फ्रेश पन्ने से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहले हम थोड़ा सा यहां पर कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज देखना चालू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, क्योंकि सर्कल्स डिस्कस कर रहे हैं तो क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती है वो पहले जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले सर्कल क्या है। देखिए, कोई भी 2D फिगर होता है या ज्योमेट्री का फिगर होता है वो पॉइंट के मूवमेंट से बनता है। तो सबसे पहले सर्कल क्या है, सर्कल एक ऐसा पॉइंट का मूवमेंट है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये जो इक्वल डिस्टेंस है, बराबर की जो दूरी है, उसको हम R से निरूपित करते हैं, और इस तरीके से जो कर्व निकल के आया उसी को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ये R जो है इसे हम रेडियस कहते हैं, रेडियस यानी त्रिज्या। O जो है जो फिक्स्ड पॉइंट है जहां पर हमने लोकस यहां पर लिया जिस पॉइंट का मूवमेंट के लिए, तो जो फिक्स्ड पॉइंट O है उसे हम कहते हैं सेंटर यानी कि केंद्र। यह है वृत्त का केंद्र, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं सर्कल को वृत्त। और अगर मैं यहां से एक इस तरीके से एक लाइन बना दूं जो कि सेंटर से पास हो रहा है GH, ठीक है, जो कि पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि यहां पर दोनों तरफ R है 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, स्ट्रेट लाइन है, इसी को हम व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। GH क्या है, डायमीटर है, व्यास है। तो डायमीटर बराबर डबल होता है त्रिज्या का, डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। सर्कल के एरिया की बात करूं तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, या जिसको हम लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाय 4। दूसरी बात, यहां पर आप देख सकते हैं सर्कमफ्रेंस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होता है वो यहां पर आपको मिल जाएगा, जो कि है पाई 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर, ये 2 पाई आर जो है सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कमफ्रेंस मतलब ये जो बाहर में ये जो सर्कल है इसकी पूरी लंबाई जो है इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं, या परिधि भी कहते हैं, ठीक है, ये आपका होता है सर्कमफ्रेंस। यहां तक बात समझ में आ गई, जिसका वैल्यू क्या है, 2 पाई आर है। या आप इसको डायमीटर के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो डायमीटर क्या हुआ, 2R का दुगना, मतलब कि रेडियस का दुगना है, तो 2 और R के जगह पे आप डायमीटर लिख सकते हैं पाई डी या 2 पाई आर। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर, या आप डायमीटर के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा होगा, तो डी बाय 2 डालोगे तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 भी एरिया होता है। तो डायमीटर के टर्म्स में भी आप एरिया निकाल सकते हैं, रेडियस के टर्म्स में भी आप एरिया निकाल सकते हैं। अब कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज है, क्योंकि आगे हम जो भी डिस्कस करेंगे वो टर्मिनोलॉजीज के तहत करेंगे, तो पहले समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, सीडी क्या है, कॉर्ड है, ये सीडी आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर एक बिंदु हमने लिया जो सर्कल पे, यहां पर एक बिंदु लिया, इसको हमने जोड़ दिया, तो ये जो सीडी निकल के आया, ये सीडी क्या है, ये है भाई कॉर्ड। इस सीडी को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहां से यहां तक अगर कोई बिंदु, दो बिंदु को हम एक लाइन से इसको जोड़ दें, लाइन सेगमेंट से इसको जोड़ दें, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। बात समझ में आ रहा। अब यहां से सीकेंट क्या होता है, देखिए, अगर कोई रेखा इसको सर्कल को काटते हुए बाहर निकल जाए तो इसी को हम कहते हैं सीकेंट।
छेदक रेखा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, सीकेंट क्या है, अगर कॉर्ड जो है उसको बाहर हम निकाल दें, ये तो कॉर्ड था सीढ़ी, लेकिन अगर सीढ़ी को खींच के आप बाहर निकाल देंगे तो वही कॉर्ड क्या है बन जाएगा, सीकेंट यानी कि छेदक रेखा। तो यहां जीवा का मतलब होता है कॉर्ड, छेदक रेखा मतलब सीकेंट होता है। साथ में अगर कोई एक ऐसा लाइन है, ये एक्स वाई लाइन आपको दिख रहा होगा, जो यहां पर इस पूरे के पूरे सर्कल को एक ही बिंदु पर टच करे, पॉइंट टी पर, ठीक है, तो ये होता है भाई स्पर्श रेखा, और जिस बिंदु पर टच करता है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब यहां से कुछ बातें और, यहां पर जो कॉर्ड होता है, कोई भी कॉर्ड जो होता है सर्कल को दो हिस्सों में बांटता है, एक कहलाता है भाई मेजर सेगमेंट या मेजर आर्क, ठीक है, ये मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क का जो बड़ा हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, मेजर आर्क, बड़ा अंश है ये, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसी को हम क्या कहते हैं, माइनर आर्क कहते हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये आपका बन जाएगा माइनर आर्क, यहां से ये माइनर आर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉर्ड है सर्कल को दो बराबर हिस्सों में नहीं बांटता है, लेकिन दो हिस्सों में बांट देता है, डायमीटर जो होता है दो बराबर हिस्सों में बांटता है। और साथ में एक पॉइंट ये भी नोट करना कि सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है किसी भी सर्कल में, सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, उसका डायमीटर होता है, क्योंकि देखिए इस कॉर्ड की लंबाई सबसे ज्यादा होने के लिए उसे सेंटर से पास करना पड़ेगा, और अगर मैंने यहां देखा जी एच जो है ये सेंटर से पास हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा जीवा इसका व्यास होता है। ठीक है, डायमीटर यानी व्यास। यहां तक कुछ टर्मिनोलॉजीज है, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं कुछ यहां से प्रॉपर्टीज एक एक करके लेता हूं सर्कल्स का। सबसे पहला प्रॉपर्टी, दो बराबर कॉर्ड है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो बराबर बराबर कॉर्ड है, दो बराबर जीवा है। तो यहां से दो पॉइंट नोट डाउन करना, पहला ये जो कॉर्ड है सेंटर पर बराबर कोण बनाएंगे, पहला पॉइंट क्या है कि ये लोग बराबर कोण बनाएंगे सेंटर पर, एंगल ए ओ बी एंगल ए सी ओ डी, ठीक है, इसका सेंटर ओ है, तो इसका सेंटर ओ है, अगर इसका सेंटर ओ है तो एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी दोनों के दोनों क्या है यहां पर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बराबर बराबर जीवा है। यहां तक समझ में आ गई बात। साथ में एक और पॉइंट नोट करना कि ये जो कॉर्ड है इसकी जो दूरी होती है सेंटर से ये सेम होती है, ये कॉर्ड जितने दूर होगा यहां पर ओ एम, ये कॉर्ड जितने दूर होगा ओ एन, ये दोनों दूरी जो है ये भी बराबर हो जाती है, ओ एम और ओ एन जो है दोनों बराबर हो जाते हैं। दो पॉइंट आपको लिखना है, अगर दो कॉर्ड इक्वल हो गए तो ये दोनों कॉर्ड जो है केंद्र पर बराबर के कोण बनाते हैं, साथ ही साथ केंद्र से बराबर की दूरी पर होते हैं। इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर एंड आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इतना लिख लिया। चलिए अब ऐसा हुआ क्यों, तो कॉन्ग्रुएंसी से हुआ। पिछले के पिछले वीडियो में हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के ऊपर डिस्कशन किया था, तो बहुत सिंपल आप यहां पर देख सकते हैं कि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। कैसे भाई, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है COD, दूसरा आपको दिख रहा है AOB। अब देखिए यहां पर AB और CD तो इक्वल है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स है, ये दोनों ट्रायंगल्स में ये कॉर्ड्स जो है ये दोनों इक्वल है, ये तो हमने माना हुआ है, तो AB और CD पहला इक्वल हो गया। साथ में आप चाहे OB ले लीजिए, चाहे OC ले लीजिए, चाहे OA ले लीजिए, चाहे OD ले लीजिए, सारे के सारे रेडियस है और रेडियस इक्वल होता है किसी भी सर्कल में, तो OA बराबर OC और OB बराबर OD, तो SSS यानी साइड 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 के कॉन्ग्रुएंसी से ये सर्वांग सम हो गए, यानी कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल। और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब आप O से जो ऑल्टीट्यूड बनाओगे ये भी इक्वल रहेगा, एंगल OAB और एंगल OAB के साथ साथ एंगल COD, ठीक है, सॉरी AOB के साथ साथ COD दोनों के दोनों एंगल भी इक्वल रहेंगे। क्लियर है, पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी आप लोग देखेंगे यहां पर, हालांकि ये जो है आपके कॉर्ड्स में यूज होगा फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल एबी। जैसे ही आप यहां पर एम को मिड पॉइंट कहते हैं और अगर ओ से एम तक जोड़ दें तो एम ही परपेंडिकुलर भी हो जाता है, तो आप यहां पर लिखेंगे कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड bisects the chord and is perpendicular to it, ठीक है, आप यहां पर यह लिख सकते हैं कि केंद्र से ऐसी एक रेखा जो किसी जीवा के मध्य बिंदु पर जाकर जुड़े वह जीवा से लंब भी होती है, या ऐसे भी बना लेना स्टेटमेंट कि किसी जीवा के लंब अगर आप कोई रेखा बनाए तो वही सेंटर से भी पास होगी यानी केंद्र से भी पार होगी, साथ ही साथ यह जीवा को दो बराबर हिस्सों में भी बांटेगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, ऐसा लिखना कि लंब द्विभाजक जो होता है, साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, लंब द्विभाजक जो है वो केंद्र से निकलता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो यहां पर इस पॉइंट से पार करेगा। ठीक है, इसको भी आप
प्रूफ कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी से, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। परपेंडिकुलर अगर आपने मिड पॉइंट बोला तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, AM और MB, साथ में OM OM कॉमन है, तो यहां से आपको समझना होगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और पूरा एंगल 180 है तो 90-90 दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। क्लियर, यहां तक बात हो गई। तो M अगर मिड पॉइंट है तो साथ में OM को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, या OM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, तो यहां से O को मतलब कि OM को सेंटर से पास होना ही पड़ेगा। दोनों चीजें कन्वर्स भी इसका ट्रू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर जो है सेगमेंट थ्योरम आप लोग लिख सकते हैं। सेगमेंट थ्योरम, ऑल एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। यानी कि एक जीवा जो है एक ही सेगमेंट पर, ठीक है, अंश जो है दो अंश बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआती तौर पर। आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर जो जीवा ए बी है, इसने यहां पर इस सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक मेजर सेगमेंट है एक माइनर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट में अगर कोई कोण बना, एक बार कोई कोण बन गया जैसे एसीबी, अब मेजर सेगमेंट में आप चाहे कितने भी कोण बना ले, सारे के सारे जो है एंगल एसीबी के बराबर होंगे। मतलब अगर एंगल एसीबी थीटा तो एंगल एडीबी भी थीटा, एंगल एईबी भी थीटा। यहां पर अगर आप जितने भी कोण बना ले इस मेजर सेगमेंट में, सारे के सारे कोण जो है वो इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई। ऐसा मत करना गलती कि अगर आपने एक कोण ले लिया यहां पर और एक कोण आप ले रहे हैं नीचे, ऐसी गलती मत करना। मैं ये कह रहा हूं सेगमेंट थ्योरम के तहत आप ये कह सकते हैं कि एक जीवा के द्वारा जितने भी आप एंगल बनाएंगे एक सेगमेंट पर, वो सारे इक्वल होंगे। तो अगर आप मेजर सेगमेंट पकड़ रहे हैं तो मेजर सेगमेंट में सारे एंगल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एंगल मेजर में दूसरा एंगल माइनर में, ऐसी गलती मत करिएगा। तो देखिए यहां से आपको समझना होगा एसीबी एंगल हो गया बराबर किसके, एडीबी के बराबर हो गया एईबी के, तीनों के तीनों बराबर हो गए क्योंकि ये एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड के ऊपर जितने भी एंगल एक ही सेगमेंट पे बनेंगे तो वो सारे इक्वल होंगे। यही होता है भाई सेगमेंट थ्योरम। यहां तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां से देखते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑन द सर्कल, एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सरकम सर्कल जो होता है, सरकम सर्कल राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज के सेंटर पे होता है, तो मैंने बताया था। आने वाले वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा, तो चीजों को कनेक्ट करके पढ़िए, अब आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है। देखिए कोई भी जो कॉर्ड होता है, ठीक है, कोई भी कॉर्ड आप ले लें यहां पर, इसका हमेशा आप देखिएगा मेजर सेगमेंट पे, ठीक है, सेंटर जो होता है आप देखेंगे कभी भी कोई कॉर्ड जो है, जब भी एक कॉर्ड आप बनाते हैं, जब भी एक जीवा बनाते हैं, तो जो इसका मेजर सेगमेंट होता है यानी कि जो बड़ा अंश होता है उसी अंश में सर्कल का केंद्र लाया करता है। तो केंद्र पर जो कोण बना, यही जीवा जो ऊपर सर्कल पर जो कोण बनाएगा इसका दुगना होता है। मतलब अगर यहां थीटा बनाया तो यहां टू थीटा बनाएगा। क्लियर, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सर्कम सेंटर, तो किसी भी ट्रायंगल का जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जो सर्कम सेंटर होता है, यहां पर अगर मैंने कहा था कि ये एबीसी है तो एंगल बीओसी जो बनाएगा यहां पर, एंगल बीओसी क्या होता था, एंगल बीओसी, ठीक है, एंगल बीओसी के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था, एंगल बीओसी बराबर होता था ट्वाइस एंगल ए, याद आ रहा है। अब समझ में आ गया ऐसा क्यों हो रहा है, कभी भी यहां ऊपर जो एंगल बनता है इसका दुगना एंगल यहां पर बनता है केंद्र पर, और ये जो केंद्र है कोई और केंद्र नहीं है, सर्कम सर्कल है, मतलब तीनों के तीनों पॉइंट जो है उस सर्कल पे लाए करते हैं। तो ये कॉर्ड बन गया एक तरीके से, जो भुजा होती है, ठीक है, जो भुजा होती है त्रिभुज की, वो एक कॉर्ड बन जाता है, जीवा बन जाता है, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो रहा था, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो रहा था कि ये जो कॉर्ड है यही आपका व्यास बन जा रहा था। या आप ऐसे समझिए कि अगर मैं एक सेमी सर्कल बनाऊं, एक सेमी सर्कल में बनाऊं, सेमी सर्कल में ये डायमीटर है, अब बताइए भाई इस जीवा ने सेंटर पर कितने का कोण बनाया, इस जीवा ने सेंटर तो इस पे ही लाए कर रहा है, तो यहां तो 180 डिग्री बन रहा है ना, अगर यहां 180 डिग्री बन रहा है तो यहां पर आप जो भी कोण बनाएंगे वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर, तो कोई भी डायमीटर होता है किसी सर्कल का, वो डायमीटर हमेशा यहां पर 90 डिग्री बनाता है। तो दो पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑन अ सर्कल इज 90 डिग्री, या एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। यानी कि किसी भी कोई भी व्यास जो है, ठीक है, कोई भी व्यास जो है सर्कल पर जो कोण बनाएगा, यानी इसके वृत्त पर जो कोण बनाएगा वो हमेशा 90 डिग्री होता है, या अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये दोनों पॉइंट आप यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गई चीजें, क्या आप कनेक्ट पर कर पा रहे हैं, आप
कि मैंने पिछले वीडियो में आपको जो बताया था उन बातों से क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो होता है वही आपका डायमीटर होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां से हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर आपको सीखना है अब नेक्स्ट जो है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देखिए ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के ऊपर जब क्वेश्चन आता है तो बनता नहीं है, ठीक है, बहुत आसान होता है लेकिन ये दिखाई ही नहीं देता है कि यहां ऑल्टरनेट सेगमेंट लग रहा है। तो मैं अभी आपको पहले क्लियर करवा देता हूं यहां पे कि ऑल्टरनेट सेगमेंट को कैसे पहचानना है, ठीक है, और जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से मैं यहां पर समझाऊंगा कि कैसे हम यहां पर इस चीज को समझेंगे। देखिए सबसे पहली बात, मैं यहां से कुछ चीजों को हटा देता हूं, जैसे कि देखिए ये और ये मैं हटा देता हूं। ठीक, कभी भी एक स्पर्श रेखा आपको दिख गया और कॉर्ड दिख गया, ठीक है, एक स्पर्श रेखा यहां पर क्या है एक्स वाई, एक्स ए वाई क्या है स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, ठीक, टेंजेंट है, ए बी क्या है जीवा है कॉर्ड है, ठीक है, ए बी क्या है जीवा है कॉर्ड है। तो देखिए यहां पर एक्स वाई जो है ये आपका टेंजेंट था, ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आपने एक जीवा बना दिया, आपने क्या किया एक जीवा बना दिया। सेगमेंट थ्योरम में क्या हो रहा था कि हमने अगर मेजर सेगमेंट में कोई एंगल लिया तो हम वही एंगल को मेजर सेगमेंट में दोबारा ले रहे थे। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर, मतलब दूसरे साइड। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का मतलब अगर एक एंगल इस तरफ बनेगा तो दूसरा एंगल कॉर्ड के दूसरे तरफ बनेगा, इसका मतलब ये होता है, मतलब एक कोण अगर इधर बना तो दूसरा कोण उधर बनेगा। देखिए कैसे, यहां पर आपको दिख रहा होगा दो एंगल, जैसे कि एक कॉर्ड हमने बनाया एक हमने टेंजेंट बनाया, तो ये टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में दो एंगल बनते हैं। एक एंगल यहां बना जो कि यहां माइनर सेगमेंट के साइड में, एक एंगल यहां बना जो कि मेजर सेगमेंट के साइड में। तो एंगल बी ए वाई जो है, एंगल बी ए वाई जो है किसके बराबर होगा, इस साइड आप कोई भी एंगल बना लीजिए जैसे बी सी ए, ठीक है, या ए सी बी, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर मैंने यहां पर एक कोण बनाया, यहां पर इस कॉर्ड के साथ इस टेंजेंट है, इस सेगमेंट में यानी माइनर सेगमेंट में एक एंगल बनाया, तो दूसरे तरफ ए सी बी जो एंगल होगा इसके बराबर होगा। साथ में आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर ए बी ने इस तरफ एक कोण बनाया जो कि है बी ए एक्स, तो बी ए एक्स यहां पर एक कोण बना, तो दूसरे तरफ यहां पर जो कोण बनेगा ये इसके बराबर रहेगा ए डी बी, ठीक है, ए डी बी इसके बराबर हो जाएगा एंगल के। बात समझ में आ रही है, अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब अगर इस तरफ जो कोण बना वो दूसरे तरफ इस कॉर्ड द्वारा बनाए हुए कोण के बराबर होगा, इस तरफ जो कोण बना दूसरे तरफ कॉर्ड द्वारा बनाए हुए कोण के बराबर होगा। यहां पर क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। तो जब भी आप इस तरीके का फिगर देखते हैं, एक सर्कल दिखा, एक टेंजेंट दिखा, एक कॉर्ड दिखा, यहां पर एक बार अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बारे में जरूर सोचना कि अगर यहां थीटा बन रहा है, ये वाला थीटा बन रहा है, तो कॉर्ड दूसरे सेगमेंट में जो एंगल बनाएगा ये भी थीटा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। और इसके ऊपर जब प्रश्न आता है तो ये थ्योरम हमको याद नहीं आता है, तो इसको बढ़िया से आप लिखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप लोग लिखेंगे, ठीक है, यानी चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। जब भी आप देख रहे हैं ए बी सी डी, चार बिंदु हमने ले लिया, चार बिंदु हमने ले लिया किस पर, एक सर्कल पर, तो कहीं ना कहीं ए बी बी सी सी डी और डी ए क्या है, कॉर्ड सी है। चक्रीय चतुर्भुज होने के साथ साथ ये ए बी बी सी सी डी डी ए क्या है, कॉर्ड्स है। तो चारों कॉर्ड्स इस तरीके से हमने यहां पर बनाया कि ये एक क्लोज्ड फिगर बन जाए, तो यही चक्रीय चतुर्भुज बन जाता है। ठीक, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन करना चालू करेंगे। सबसे पहली बात, जो सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स होता है ये सप्लीमेंट्री होते हैं, विपरीत दो कोण जो होते हैं चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत दो कोणों का योगफल जो होता है ये हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चाहे आप एंगल बी प्लस एंगल डी ले लीजिए ये 180 डिग्री होगा, चाहे आप एंगल ए प्लस एंगल सी ले लीजिए ये भी 180 डिग्री होगा। साथ में आपको ये समझना होगा कि अगर मैं यहां से एक्सटीरियर एंगल की बात करूंगा तो यहां से देखिए, यहां से इसको जब आप आगे की ओर बढ़ा दिए तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल यही है बराबर, और कोई भी एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो चाहे आप एंगल ए प्लस एंगल ई करोगे तो ये 180 डिग्री होगा। अब दो चीजें आप यहां पर देखना, पहले ये वाला इक्वेशन इक्वेशन नंबर दो और ये वाला इक्वेशन इक्वेशन नंबर वन। हम कह रहे हैं कि ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, यहां पर हम कह रहे हैं ए प्लस एंगल ई बराबर 180 डिग्री, तो क्या एंगल सी बराबर एंगल ई नहीं होगा। इन दोनों को कंबाइन करने पर जो रिजल्ट मिलता है वो ये है कि एंगल सी एंगल ई बराबर है, और इसको आप लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, क्योंकि देखिए ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके ऑपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है वो सी है, ठीक है,
तो E जो होगा वो C के बराबर होगा, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा, यहां पर एक्सटीरियर एंगल बराबर ऑपोजिट इंटीरियर, इसका ऑपोजिट भी ट्रू है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। यदि आप कोई भी ऐसा चतुर्भुज बनाए, ठीक है, जिसमें कि उसका दोनों एक्सटीरियर एंगल जो है वो दोनों आंतरिक कोणों के बराबर हो विपरीत दिशाओं में, तो ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसको आप बढ़िया से नोट डाउन करके बनाइएगा, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं ये आपने नोट डाउन किया होगा चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। नेक्स्ट एंगल से रिलेटेड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एसएससी में बार बार क्वेश्चन आता है, तो इसको आप नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं, कैसे इसको समझना है। देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स एंड सीकेंट, यानी कि दो कॉर्ड जब एक दूसरे से मिलते हैं या दो छेदक रेखाएं एक दूसरे से मिलते हैं, देखिए कॉर्ड अगर एक दूसरे से मिल रहे हैं इसका मतलब यह है कि अंदर मिलेंगे। आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड है ए बी, दूसरा कॉर्ड है बीसी, एक कॉर्ड है ए बी, दूसरा कॉर्ड है सी डी, देख पा रहे हैं यहां पर एक कॉर्ड है यहां पर ए बी और दूसरा कॉर्ड है यहां पर सी डी। लेकिन यहां पर ए बी और सी डी मिले नहीं, तो हमने क्या किया, ए बी को बढ़ाया बाहर तक और सी डी को बढ़ाया बाहर तक, तो यहां पॉइंट पी पर मिले, यहां पर पॉइंट पी बाहर आ गया तो ये सीकेंड कहलाएंगे, और यहां पर पॉइंट पी अंदर आ गया तो ये ए बी और सी डी को क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये है एक कॉर्ड्स, दोनों के दोनों कॉर्ड्स हैं, तो ए बी और सी डी के ऊपर फोकस रखना है यहां पर। जैसे ही यहां पर मिलते हैं तो आपसे अगर पूछा जाए बताइए भाई बीपीडी का वैल्यू क्या है, ठीक है, समुच्चय कोण से आपको पता है कि ये एंगल और एपीडी एंगल दोनों इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं, क्योंकि जब भी दो लाइन टकराती हैं तो वहां पर चार कोण बनते हैं जिसपे समुच्चय कोण यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो चाहे मैं यहां पर एपीडी कहूं चाहे बीपीडी कहूं, दोनों के दोनों इक्वल होंगे, तो एपीसी या बीपीडी दोनों के दोनों सेम है यहां पर, क्लियर। अब इनमें से कोई भी एक एंगल की बारी आ गई तो देखिए बहुत सिंपल से मैं आपको बताऊंगा। देखिए हमने कौन कौन से कोण की बात की, एपीसी और बीपीसी, केवल आप इस पी के जगह पर ओ से रिप्लेस कर दीजिए, इस पी के जगह पे ओ से रिप्लेस कर दीजिए, हाफ ऑफ एंगल एओसी प्लस एंगल बीओडी के बराबर होगा। पी के जगह पे क्या करोगे, ओ से इसको रिप्लेस कर दोगे, तो यहां जो पी था हमने क्या किया, इसके जगह यहां जो केंद्र है, ओ का मतलब केंद्र, केंद्र पर एओसी जो एंगल बनेगा प्लस बीओडी जो एंगल बनेगा, इन दोनों के योगफल का आधा जो होगा वही आपका यहां पर एपीसी के बराबर होगा या बीपीडी के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको देखते हैं कि यहां जब मिल रहा है तो अब यहां पर आप चाहे एपीसी ले लीजिए या बीपीडी ले लीजिए, दोनों के दोनों सेम कोण है। देखिए एपीसी की बात करें या बीपीडी की बात करें, दोनों के दोनों सेम कोण है। इस केस में आपका जो एंगल बनेगा, पी के जगह पे ओ डाल देना, बी के जगह पे ओ डाल देना, पी के जगह पे ओ, पी के जगह पे ओ, तो एओसी और बीओडी तो यहां भी रहेगा, बस फर्क इतना है कि यहां प्लस साइन लगता है और यहां पे माइनस साइन लगता है, क्लियर। तो एओसी माइनस बीओडी डिवाइडेड बाय टू इसका वैल्यू होगा, और यहां पर आपका एओसी प्लस बीओडी डिवाइडेड बाय टू होता है यहां पर। तो बस आप या तो इसको डायरेक्टली फॉर्मूले के तहत याद रख सकते हो या ग्राफिकली भी अगर आप पकड़ सकते हैं इस चीज को तो बहुत अच्छी बात रहेगी। देखिए समझाने की कोशिश करता हूं, आप देखिए यहां पर हमने देखा ये वाला एंगल और ये वाला कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड, तो जैसे ही हमने देखा कि आप इस कोण की बात कर रहे हैं जो बीडी और एसी बना रहा है यहां पर, ठीक है, यहां पर बीडी और एसी बना रहा है बीच में यहां पर, तो आप क्या करेंगे, एसी द्वारा जो सेंटर पर कोण बना उसको ले लेना एक बार, बीडी द्वारा सेंटर पर जो कोण बना इसको ले लेना एक बार, इन दोनों कोण को आप क्या करेंगे ऐड करके आधा कर देंगे तो यहां पर एपीसी या बीपीडी निकल जाएगा। साथ में जब यहां पर इस कोण की बात हो रही है तो ये कोण कौन बना रहा है, आप कह सकते हैं या तो यहां पर एसी बना रहा है तो एसी का सेंटर वाला कोण लीजिए, या आप कह सकते हैं कि यहां पर बीडी जो है ये कोण यहां पर एंगल बना रहा है तो बीडी का सेंटर वाला एंगल ले लीजिए, इन दोनों के डिफरेंस को इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, क्लियर। विद फॉर्मूला भी आप इसको याद रखिए, बहुत अच्छी बात है, विदाउट फॉर्मूला भी ग्राफिकली आप इस चीज को याद रख सकते हैं। चलिए इसके बाद जो टैंजेंट होता है ये रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। देखिए एक चीज आप नोट डाउन करेंगे कि जहां पर भी आप एक स्पर्श रेखा बनाते हैं ये स्पर्श रेखा रेडियस जो होता है यहां पर हमेशा 90 डिग्री पर काटता है। तो OA यदि रेडियस है, एक्स वाई यदि स्पर्श रेखा है, तो OA जो होगा यह हमेशा परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई के।
रेडियस जो होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा के हमेशा लंब होती है, इस बात का आप नो डाउन कर लीजिएगा। दूसरी बात, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी बाहर वाले बिंदु से आप किसी वृत्त पर दो टेंजेंट बना सकते हैं, पी ए और पी बी। प्रॉपर्टी ये कहता है कि पी ए और पी बी दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक, अब देखिए यहां से आपको जो सवाल पूछे जाते हैं वो इस कोण के ऊपर और इस कोण के ऊपर, जहां ए और बी जहां पर जाके मिले, आपसे यहां पर दो प्रश्न पूछे जाते हैं मोटे तौर पे। या तो आपको ये एसीबी एंगल निकालने को बोला जा सकता है, या आपको यहां पर एडीबी एंगल निकालने को बोला जा सकता है। दोनों के ऊपर क्वेश्चन आता है कभी कभी, ये दिया रहता है और इसके ऊपर भी प्रश्न आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, समझिएगा। यहां पर ये थीटा है। अब देखिए मैं यहां से यदि इस सेंटर से इसके इसको जोड़ दूं और इसको जोड़ दूं, तो आप लोग जानते हैं कि 90 डिग्री और 90 डिग्री बनाते हैं दोनों के दोनों, करेक्ट। एक 90 है, दूसरा कोण भी अगर 90 है, दोनों के दोनों 90 प्लस 90 तो 180 डिग्री हो गया। किसी भी चतुर्भुज में चारों जो कोण होता है इसका योगफल 360 डिग्री होता है, जिसमें से ये 90 और ये 90 180 तो चला गया, बचा 180। तो अगर ये कोण थीटा हुआ तो ये कोण क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होना चाहिए। और हमने ये देखा है कि कोई भी कॉर्ड जो है वो सेंटर पर जो बनाता है वो इस कोण का दुगना बनाता है। तो अगर एसीबी के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, एसीबी जो होगा इस कोण का आधा होगा, 180 डिग्री का आधा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2 होगा। और क्योंकि ये कोण और ये कोण, देखिए चक्रीय चतुर्भुज है, ए सी बी डी चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में ऑपोजिट वाले जो कोण होते हैं, विपरीत दिशाओं में जो दो कोण होते हैं, ये दोनों जो होते हैं हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं। तो दूसरा कोण 180 डिग्री माइनस ये होगा, और 180 डिग्री माइनस इतना करने पर 90 डिग्री प्लस थीटा बाय 2 होगा। क्लियर, इसको समझने का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसान तरीका, देखिए समझिएगा, बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगा। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, जब भी आप टेंजेंट बनाते हैं तो यहां वाला कोण जो होता है ये अधिक कोण होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। क्या होता है, अधिक कोण होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। और यहां वाला जो कोण होता है ये आपका न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से छोटा, ऑब्ट्यूस का मतलब 90 डिग्री से बड़ा। तो डायरेक्टली अगर यहां थीटा दिया है, एक सेकंड में आप यहां पर ये वाला एंगल निकाल सकते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा बाय 2 करके, क्योंकि भाई ये वाला एंगल आपका बड़ा बनता है, मतलब कि ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, तो 90 डिग्री प्लस थीटा बाय 2 से ये एंगल निकल जाएगा, और 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2 से ये वाला एंगल निकल जाएगा। क्लियर है, तो हमने पहले थ्योरम देख लिया कि कैसा ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके बाद हम यह भी डिस्कशन कर रहे हैं कि इसको याद कैसे रखना है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। इतना थ्योरी काफी है आपके एंगल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो सारे क्वेश्चंस इकट्ठा अब हम देखते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए कोशिश करिएगा आप भी अपने तरफ से, मैं यहां पर आप सारे क्वेश्चंस को एक साथ आपको बताऊंगा, सारे थ्योरम्स को बढ़िया से नोट्स बनाइए, पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा, बट इससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप खुद से लिख कर अगर बनाए चीजों को, क्योंकि अपना नोट्स बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो वीडियो में मैंने जो चीजें बताई उसका नोट्स अगर आप बनाओगे तो उसी नोट्स को जब रिविजन करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पीडीएफ तो मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से, बी वाई एक्स क्या है आपको निकालना है, तो बाकी चीजें फिगर में है, तो फिगर है तो फिगर को समझिए क्या दिया है। ये एक्स वाई कॉर्ड दिया हुआ है, बी वाई एक्स मतलब ये वाला कोण आपको निकालने को बोला जा रहा है, साथ में बोला गया है ये 45 डिग्री है और ये बी एक्स वाई एंगल 50 डिग्री है। अब एक्स ए वाई जो कोण है, क्या हम ये लिख सकते हैं, एक्स ए वाई जो कोण होगा ये बराबर हो जाएगा एंगल एक्स बी वाई के, क्या आप मेरी बातों से सहमत है। अरे भाई सेगमेंट थ्योरम से अगर एक कोण ने एक सेगमेंट पर 45 बना दिया तो उसी सेगमेंट पर दूसरा कोण भी कितने का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब एंगल बी वाई एक्स आपको निकालना है, एंगल बी वाई एक्स आपको निकालना है, तो बताइए 180 डिग्री माइनस 50 प्लस 45 यानी कि कितना, 95 डिग्री होगा, बात सहमत है आप। देखिए इस 3BYX, इस BYX ट्रायंगल को देखिएगा, BYX ट्रायंगल में कोई भी तीन कोण है, उन तीनों कोण का सम 180 होना चाहिए, एक 50 हो गया, एक 45 हो गया, यानी 95 हो गया, तो 95 को 180 से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 85 डिग्री, यही आपका उत्तर हो जाएगा बी वाई एक्स कोण का। तो ए जो है सवाल का सही उत्तर है। तो हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, सेगमेंट थ्योरम की ये 45 टू ये 45, क्लियर। इसी तरीके से आपको सारे यहां पर प्रॉपर्टीज यूज करने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, ओ सेंटर है यहां पर, तो ये सेंटर बन गया,
इसमें QOR एंगल जो है ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री, और RPQ बताना है कितना होगा। RPQ देखिए, QOR किसने बनाया, RQ ने बनाया, और RPQ किसने बनाया, ये भी RQ ने बनाया। फर्क कितना है कि QR सेंटर पर बना और RPQ सर्कल पे बना। हम ये जानते हैं सेंटर पर जो बनता है वो इसका दुगना बनता है, तो यहां जो सर्कल पर बनेगा उसका आधा बनेगा, तो 50 का आधा कर दीजिए, 25 डिग्री यहां पर उत्तर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, बहुत आसान सा सवाल है। कुछ आसान सवाल के जरिए हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं, और अच्छे सवाल भी देखेंगे। पहले आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि यहां सेंटर पर RQ ने 50 बनाया, तो सर्कल पर यहां पर जो बनाएगा उसका आधा बनाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया है ना, सर्कल विद सेंटर O, A O C इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, B D इज द कॉर्ड विच इंटरसेक्ट द डायमीटर एट O, जॉइंस टू B C, B एंड C, O joins to B and C joins to D. If angle AOB is 50 degree, then what is angle BDC? देखिए जहां पर फिगर नहीं है वहां फिगर बनाना अनिवार्य हो जाता है। O वृत्त का केंद्र है, AOC वृत्त का व्यास है, तो सबसे पहले तो हम यहां पर एक सर्कल बना देते हैं जिसका केंद्र O हो। इस O से ये O है, इस O से यहां से व्यास निकलेगा A और C, यहां से व्यास निकलेगा A और C, ठीक है। अब देखिए यहां पर BD जीवा के व्यास के प्रतिच्छेदक करती है O, ठीक है। O को B से और C को D से मिलाया जाता है, यदि एंगल AOB जो है 50 डिग्री है तो BDC कितना। देखिए जब बोला गया जीवा जो BD है ये इसको प्रतिच्छेदक करती है, तो यहां पर इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बनाए। लेकिन यहां पर आपको एक बहुत बड़ा क्लू जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि एंगल AOB जो है वो 150 डिग्री, 150 डिग्री का मतलब है एक अधिक कोण है। क्या है? अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। तो आप कभी भी बी को इस जगह नहीं ले सकते, इस जगह लेंगे तो न्यून कोण होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब आपको यहां पर बी को कुछ इस तरीके से लेना पड़ेगा, इस तरफ। तो मैं यहां बी ले लेता हूं ताकि एओबी जो होगा वह 150 डिग्री होगा। दूसरी बात जो बताई गई है वो यह है कि बीडी जीवा जो है इसको प्रतिच्छेद करती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है व्यास को। तो कहने का मतलब यह है कि डी को तो कहीं ना कहीं इस एसी के इस तरफ ही होना पड़ेगा, उस तरफ बनाओगे तो प्रतिच्छेद होगा ही नहीं। तो बीडी को हमने इस तरीके से बना दिया। अब देखिए सवाल में और क्या चीजें दी है, हमने यहां पर ओ से बी को जोड़ा वो तो जोड़ ही दिया था, और सी को डी से जोड़ा तो सी को डी से यहां से इस तरीके से जोड़ देते हैं। अब एंगल बीडीसी निकालना है आपको, बीडीसी ये वाला एंगल निकालना है। बताइए कैसे निकालेंगे। देखिए समझिएगा यहां पर चीजों को, ये BDC अगर थीटा है तो किसने बनाया, तो BC ने बनाया, तो सेंटर पर कहीं ना कहीं ये एंगल जो होगा इसका डबल होगा, 2 थीटा हो जाएगा, क्लियर। अब आप समझिएगा यहां से कि अगर ये AOC व्यास है तो पूरा का पूरा 180 डिग्री होना चाहिए, अगर ये 150 ले गया तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, और अगर ये 30 है तो इसका आधा होगा, यह 15 डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। तो बी डी सी जो है ये 15 डिग्री बन जाएगा। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आइए समझते हैं इस अगले प्रश्न को, क्या दिया हुआ है। देखिए यहां पर जो दिया हुआ है इस एडजेसेंट फिगर में दिया हुआ है ओ जो है सेंटर ऑफ सर्कल है, तो ये जो ओ आपको दिखाई दे रहा है ये सेंटर ऑफ सर्कल है यहां पर, मतलब ये जो ईटी है ये तो क्या होगा, ईटी डायमीटर बन जाएगा, करेक्ट। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है। दूसरी बात यहां पर दिया हुआ है कि टी पॉइंट पर टेंजेंट है, एट अ पॉइंट टी देयर इज अ टेंजेंट, तो ये टेंजेंट यहां दिया हुआ है यूवी, साथ में दिया हुआ है यूटीवी एंगल। अच्छा ये यूटीवी टेंजेंट है, एंगल नहीं होगा, यूटीवी टेंजेंट है, ठीक है। इफ वीटीआर इज इक्वल टू, वीटीआर कहां है बताइए, ये वी है, टी है और ये आर है, मतलब ये वाला एंगल जो बनाया हुआ है वीटीआर, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 52 डिग्री, 52 डिग्री, ठीक। और साथ में आपको बोला गया है कि PTR isosceles triangle है such that TP is equal to TR, तो ये जो TP है और ये TR है दोनों के दोनों इक्वल है, TP और TR दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों इक्वल है तो एंगल X प्लस वाई प्लस जेड निकालना है आपको कितना होगा। तो देखिए TP यहां से यहां तक का वैल्यू है, TR यहां से यहां तक का वैल्यू है, करेक्ट। TP इज इक्वल टू TR, ये दोनों इक्वल है, आपको निकालना है एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड निकालना है आपको, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए अल्टरनेट सेगमेंट छुरम को याद करने की कोशिश करिएगा सबसे पहले, क्योंकि देखिए आप यहां पर ये जो है टी आर जो कॉर्ड है, टी आर कॉर्ड है और ये टेंजेंट है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल वी टी आर दिया हुआ है 52 डिग्री, तो ये जो कॉर्ड टी आर है दूसरे तरफ जो भी एंगल बनाएगा ये भी उतना ही होगा, मतलब जो एंगल एक्स है, ठीक है, एंगल एक्स का वैल्यू कितना है, तो 52 डिग्री। यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे, ठीक।
अब कुछ चीजों को बहुत सिंपली आप देखिएगा, यहां पर पी आर एम टी चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एक्स और इसके ऑपोजिट पे ये जेड, एक्स प्लस जेड कितना होना चाहिए, एक्स प्लस जेड होना चाहिए 180 डिग्री। आप यहां तक सहमत होंगे मेरी बातों से, बहुत आसानी से आप इस चीज को निकाल सकते हैं। दूसरी बात देखिए, अब यहां से कुछ चीजों को आप समझना चालू करना कि अगर ये टीपी और टीआर इक्वल है, आइसोसेलस ट्रायंगल है, तो आप जानते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होते हैं, इन दोनों साइड के पीछे के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो इस टीआर के पीछे एंगल एक्स बना, तो टीपी के पीछे ये वाला एंगल आर जो है ये भी एक्स होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? टीआर के पीछे एक्स बना, ट्रायंगल पी टी आर की बात हो रही है, टी आर पी ट्रायंगल में अगर इस टीपी के पीछे यहां पर ये एंगल है और टीआर के पीछे एक्स है, तो टीपी के पीछे भी एक्स होना चाहिए। क्लियर? दूसरी बात आप समझिएगा यहां से कि ये जो वाई है, ये वाई क्या है? इस वाई को अगर आप देखेंगे गौर से, तो ईपी ने बनाया है इस वाई एंगल को, लेकिन इस ईपी ने ही ये वाला एंगल भी तो बनाया ना, आर वाला एंगल। तो ई आर पी और ये जो ई टी पी एंगल ऑन द सेम सेगमेंट है, तो सेगमेंट थ्योरम के तहत ये वाला एंगल वाई होना चाहिए, ये वाला एंगल भी वाई होना चाहिए। अरे भाई, ईपी ने यहां भी एंगल बनाया, ईपी ने यहां भी एंगल बनाया, तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे सेगमेंट थ्योरम के तहत? अब देखिए चीजों को समझिएगा, यहां से आप कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला एंगल एक्स है, ये वाला एंगल वाई है, ये वाला एंगल एक्स है, ये वाला एंगल वाई है, दोनों एक्स प्लस वाई को यदि देखा जाए तो किसने बनाया, एक्स और वाई को अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो यहां से आपको समझ में आएगा ईटी ने बनाया। और ईटी क्या है? डायमीटर है। डायमीटर जो है यहां पर किसी भी जगह आप कोण बना दे तो 90 डिग्री बनाता है, मतलब एक्स प्लस वाई हो जाएगा 90 डिग्री, एक्स प्लस वाई हो जाएगा 90 डिग्री। यहां तक बातें समझ में आ गई? क्लियर है? तो x बराबर 52 डिग्री है, x प्लस z बराबर 180 डिग्री है, x प्लस y बराबर 90 डिग्री है, क्या आप यहां से x प्लस y प्लस z निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? देखिए बहुत सिंपल है, अगर मैं इन तीनों, इन दोनों को जोड़ दूं, इसको और इसको जोड़ूंगा, तो 2x प्लस y प्लस z आएगा, करेक्ट? लेकिन मुझे इसे x को माइनस भी करना पड़ेगा, मतलब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ देता हूं तो 270 डिग्री आ गया, जो कि 2x प्लस y प्लस z है, लेकिन x प्लस y प्लस z चाहिए था, तो उसमें से एक बार 52 डिग्री को माइनस कर देते हैं तो 218 डिग्री जो है यहां पर आएगा x प्लस y प्लस z का वैल्यू, जो कि है सी ऑप्शन। यहां तक बातें समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन के ऊपर यहां आ चुका है, दिया हुआ एंगल AOB जो है ये 88 डिग्री है, यहां पर 88 डिग्री ये दिया हुआ है आपको। दूसरी बात कह रहा है कि OB और AC जो है इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, तो OB यहां पर ये वाला लाइन है और AC यहां पर एक ये वाला लाइन है, तो 90 डिग्री, हालांकि दिखाई नहीं लग नहीं रहा है देखने पर, आप यहां पर इसको 90 डिग्री बना सकते हैं, ठीक है, दिया हुआ है कंडीशन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें फिगर आपको ऐसे लगेगा नहीं, लेकिन होता है ये 90 डिग्री, ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। म्यूचुअली इंटरसेक्ट एट नाइट राइट एंगल्स, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल OBC वेयर O इज द सेंटर, तो OBC मतलब ये वाला एंगल आपको निकालने को कह रहा है, OBC एंगल, ठीक है, O B और C, ठीक। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कैसे सॉल्व करें, सबसे पहली बात आपको देखना होगा कि ये जो AB है, AB ने सेंटर पर बनाया 88 डिग्री, तो यहां जब सेगमेंट की बारी होगी तो इसका आधा बनाएगा जो कि हो जाएगा 44 डिग्री। यहां तक क्लियर? अगर AC भी एंगल पूछता तो आप 44 डिग्री मार्क करके इसको आगे बढ़ सकते थे, लेकिन एग्जामिनर ने भी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां 44 डिग्री मार्क मतलब कि एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो गलती मत करिएगा, थोड़ा सा आपको यहां पर चौकन्ना रहना है, क्योंकि देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये जो ट्रायंगल है, चलिए इसका नाम दे देते पी, ट्रायंगल पीबीसी जो है राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, जिसमें से एक 90 डिग्री है, एक थीटा यानी 44 डिग्री, तो जो बचा हुआ एंगल है ओबीसी एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ 44 डिग्री, मतलब यहां पर जो वैल्यू आएगा आएगा 46 डिग्री का, मतलब कि बी जो है सवाल का सही उत्तर है। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है ए और बी आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर्स पी एंड सी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल सच दैट ए बी सी इज 35, व्हाट इज द मेजर ऑफ बी सी ए, तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायमीटर है, ठीक है, इस आकृति में ए बी सी जो है इस वृत्त के व्यास के छोर है, मतलब देखिए ये पूरा का पूरा डायमीटर हो गया आपका, जिसमें ये एक छोर है तो दूसरा छोर ये है, दोनों के दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट्स। सेंटर जो है वृत्त का केंद्र जो है वो पी है और सी एक बिंदु है वृत्त के परिधि पर,
अब आपको दिया एबीसी एंगल जो है 35 डिग्री, एबीसी एंगल ये वाला एंगल 35 डिग्री दिया हुआ है, 35। ये एंगल कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री दिया हुआ है। आपको निकालना है एंगल पीसीए, मतलब ये वाला एंगल निकालना है आपको पीसीए। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, बहुत सिंपल है। आपको समझना होगा कि अगर ये एंगल जो है, ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल होंगे तो ये वाला एंगल भी 35 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? अरे भाई, यहां पर पीसी और पीबी क्या है, दोनों के दोनों त्रिज्या है। पीसी और पीबी क्या है, दोनों के दोनों त्रिज्या है। और पीबीसी ट्रायंगल में आप देख पा रहे हैं दो साइड इक्वल है, तो इन दोनों साइड के पीछे के एंगल भी इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। मतलब इस पीसी के पीछे 35 डिग्री बना तो पीबी के पीछे भी यहां पर क्या बनेगा, 35 डिग्री ही बनेगा, 35 डिग्री। यहां तक क्लियर? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये एसीबी एंगल का वैल्यू क्या होगा, एसीबी एंगल का वैल्यू क्या होगा, एंगल एसीबी का वैल्यू क्या होगा, बता सकते हैं? 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि भाई इस एसीबी एंगल को बनाया किसने, यहां से अगर एसीबी देखा जाए तो डायमीटर पर बना हुआ एक कोण है, डायमीटर पे बने हुआ पूरे कोण जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। आपको ये वाला कोण निकालना है जो कि है पीसीए, ये पीसीए वाला कोण आपको निकालना है, तो पूरा का पूरा 90 डिग्री है। इसमें से 35 डिग्री को माइनस कर देते हैं, 35 डिग्री माइनस कर देते हैं, तो यहां पर 8 में से 3 गया तो बटा 5, यानी 55 डिग्री जो है पीसीए का वैल्यू होगा। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। आपको यहां पर चीजें दी हुई है कि इन द फिगर गिवन बिलो, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट पी, एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट पी, ए ओ बी का वैल्यू दिया हुआ है 100 डिग्री, डी ए पी का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, ए पी बी का वैल्यू निकालना है। तो बहुत सिंपल सवाल है। यहां जो चीजें दी हुई है, ए ओ बी सेंटर है, ये 100 डिग्री दिया हुआ है, और आपको दिया है पी ए बी, डी ए पी मतलब ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है जो कि है कितना, 30 डिग्री। आपको कौन सा एंगल निकालने को बोला गया, आपको निकालना है ए पी बी मतलब ये वाला एंगल। ठीक, तो इस फिगर को देखते साथ आपको समझना होगा कि ए पी बी के ऊपर जब भी क्वेश्चन आ गया, एंगल ए पी बी ये बराबर होता है आधा किसका, एंगल ए ओ बी का, ए ओ बी का, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप जानते हैं कि ये सी ओ डी इस तरीके से यहां पर एंगल जो बनेगा, इसका वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई यहां पर जो एंगल दिया हुआ है सी डी, ये सी डी जो है यहां पर 30 डिग्री बना रहा है सरकमफ्रेंस पर। अगर सरकमफ्रेंस पर 30 डिग्री बनाया तो सेंटर पर कितना बनाएगा, 30 का दुगना बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। मतलब ये 100 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो दोनों मिलाकर 160 डिग्री हो गया। इसका आधा भी करना है, इसका आधा करोगे तो 80 डिग्री आएगा, मतलब ए पी बी का वैल्यू हो जाएगा 80 डिग्री। क्लियर? बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहां तक समझ में आ गई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, इफ ए ओ सी इज इक्वल टू 35 डिग्री, ए पी सी इज इक्वल टू 58 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पी डी। तो देखिए सिंपल है, मैंने आपको बता के रखा है ए, मतलब देखिए यहां पी के जगह पे ओ आ गया और यहां बी डी है। देखिए ए और सी आपने ले लिया था और बाकी दोनों में क्या है, बी और डी है, बी और डी के जगह पे ओ आ गया, तो ए पी सी जो होता है ये क्या होता है, हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर। तो डायरेक्टली आप बिना डायग्राम के डायरेक्टली आप इस चीज को देख सकते हैं, क्योंकि दो कॉर्ड मीट कर रहे हैं पी पर और ए पी सी का वैल्यू दिया 58 डिग्री। ये आधा हो जाएगा किसका, किसका, ए ओ सी का जो कि है 35 डिग्री, प्लस जो फाइंड करना है वो है एंगल बीओडी का। तो अगर इस दो को दूसरी तरफ भेज दें हम तो बन जाएगा 116। तो एंगल बीओडी क्या होगा, 6 में से 5 गया तो बचा 1, 11 में से 3 गया तो बचा 8, तो 81 डिग्री जो है ये बीओडी का वैल्यू हो जाएगा। तो बिना डायग्राम बनाए भी मैंने आपको चीजें बताई है, ठीक है? तो उस चीज को यूज करिए कि पी था यहां पर और ए सी के जगह ओ आ जाता है और ए और सी यूज हो गया तो बी डी बचा था, बी डी की जगह पे यहां पर बीच में ओ है, तो ए ओ सी प्लस बी ओ डी। जब बीच में मीट कर रहे हैं यानी सर्कल के अंदर मीट कर रहे हैं तो प्लस होगा, सर्कल के बाहर तो माइनस। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस सवाल में अगर आपसे पूछा जाए कि ये बाहर वाले कोण का वैल्यू क्या है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये 100 था और ये 60 था, तो 100 और 60 माइनस करके 40 का आधा कर देना तो ये 20 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? लेकिन अंदर वाले कोण की बात हो रही तो 60 डिग्री आ गया। ठीक, चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। अब देखिए डायग्राम नहीं है तो डायग्राम बनाना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन उस डायग्राम को भी बनाने के पहले देखिएगा, दिया हुआ है ए बी इज अ क्वार्ट्स विद इन अ सेंटर विद सेंटर ओ इज प्रोड्यूस टू सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, सी इज जॉइंट एंड प्रोड्यूस टू मीट एट डी, सी इज जॉइंट टू ओ एंड प्रोड्यूस टू मीट एट डी, इफ ए सी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री व्हाट इज द मेजर ऑफ ए ओ डी। तो देखिए अगर डायग्राम नहीं है तो डायग्राम बनाना पड़ जाता है, तो एक कॉर्ड बना लेते हैं पहले, तो सर्कल है विद सेंटर ओ, इसमें एक कॉर्ड है ए बी, इस ए बी को हमने सी तक प्रोड्यूस किया था, बोला है ए बी है, ए बी को सी तक इस तरह बढ़ाया जाता है कि बी सी जो वृत्त के त्रिज्या के बराबर होता है, तो आपने इस प्रकार बढ़ाया कि जो बी सी है वो वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, बी सी जो है वो वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, मतलब यहां से यहां तक बी सी का जो लेंथ है वो वृत्त का त्रिज्या मतलब ओ बी के बराबर होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक। साथ में बोला गया ए सी डी एंगल, अच्छा ठीक है ए सी डी कहां से आया, देखिए सी और ओ को मिलाया जाता है और डी तक वृत्त को मिलाने के लिए इसको आगे बढ़ाया जाता है, मतलब देखिए सी से आप ओ को मिलाते भी हैं और उसको बढ़ाते हैं कि वृत्त को जिस पॉइंट पर मिले वो डी हो गया। अब बोल रहा है ए सी डी एंगल जो है 32 डिग्री है, ए सी डी मतलब ये वाला कोण आपको दिखाई दे रहा है, ये 32 डिग्री का कोण है, आपको निकालना है ए ओ डी, तो ए ओ डी कहां है, ये वाला एंगल निकालना है, इस एंगल को आपको निकालने को बोला गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की, ठीक है चलिए समझते हैं। यहां पर तो बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग यहां पर इसको सॉल्व करने के, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि अगर यहां पर हम देखें ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल जो है ये 32 डिग्री का होगा, यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे, करेक्ट ठीक है, ये एंगल 32 डिग्री का हो गया। अब देखिए ये अगर 32 है तो आपको समझना होगा कि 32 प्लस 32 ये एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल ओबीसी का एक्सटीरियर एंगल है ओबीए, तो ये 32 ये 32 ये 64 हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट साइड में दोनों के दोनों यहां पर इसका सम हो जाएगा। तीसरी बात आप देखेंगे कि ओबी और ओए, ओबी और ओए दोनों के दोनों इक्वल है ट्रायंगल ओएबी में, तो अगर यहां पर ओबी के पीछे ए बन रहा है, ओए के पीछे 64 बन रहा है, तो ओबी के पीछे यहां पर भी 64 बनेगा, दोनों के दोनों 64 बन गए, करेक्ट। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल एओसी, ट्रायंगल एओसी इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर एक 32 डिग्री का एंगल बना, यहां पे एक एंगल बना 32 डिग्री का और ये वाला एंगल बना 64 डिग्री का, तो जो एओडी जो आपको फाइंड करना है ये इसका एक्सटीरियर एंगल ही तो है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल ही है, तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो 64 डिग्री में आप 32 डिग्री जोड़ दीजिए, 64 प्लस 32 यहां पे 96 डिग्री हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा, क्लियर। यहां तक बात समझ में आ गई, तो 96 डिग्री यहां तक समझ में आ गया। देखिए अब मैं यहां से आपको एक और ऐसा तरीका बताता हूं, जो फॉर्मूला हमने देखा था उसके तहत, देखिए देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, कोई बच्चा इसको इस तरीके से सॉल्व करेगा, लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो मैंने थ्योरम बताया उसको यूज करके सॉल्व कर लेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए हमने क्या डिस्कस किया है, ठीक है कुछ चीजें मैं यहां से हटा देता हूं, ये 96 डिग्री हमको निकालना था, यहां तक तो चीजें सेम रहेगी, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इसको नजर आप इस तरीके से देखिएगा कि यहां पर एडी जो है इसको हमने बढ़ाया है यहां तक, अच्छा देखिए ये आपका जो है इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं पॉइंट ई, ये डी कॉर्ड को मैंने सी तक बढ़ाया, ए बी कॉर्ड को मैंने सी तक बढ़ाया, तो यहां एक्सटीरियर पॉइंट पे जाकर ये लोग मिल रहे हैं और एक यहां पर एक सी पर मिल रहे हैं जो कि 32 डिग्री है। तो आप जानते हैं ये जो एंगल होता है एंगल ए सी डी, इसका वैल्यू जब निकालना है तो हाफ ऑफ ये वाला एंगल, ये वाला जो कॉर्ड है सेंटर पर जो बनाएगा एंगल ए ओ डी जो आपको फाइंड करना है, माइनस ये वाला जो कॉर्ड सेंटर पर जो बनाएगा यानी एंगल बी ओ सी, इसके डिफरेंस के बराबर होता है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया ये 32 है तो ये 32, तो ये भी 32 होगा बी ओ सी, ये तो हमने देख ही लिया था। तो 32 डिग्री इज इक्वल टू आधा एंगल ए ओ डी माइनस, ये भी 32 डिग्री आया था, इसके तहत आप देख सकते हैं कि ये जो दो है दूसरे तरफ जाएगा तो इस पे मल्टीप्लाई होगा तो 64 बनेगा, एंगल AOD का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 64 प्लस 32 मतलब कि 96 डिग्री। तो डायरेक्टली भी आप इसको इस फॉर्मूले के तहत जो हमने रिजल्ट सीखा है उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है थीटा का मान बताना, तो देखिए आप समझ पा रहे हैं यहां से इसको बढ़ाया यहां तक, इसको बढ़ाया ये बाहर में जाके थीटा से मिला, सेंटर पर ये 50 बना रहा है, सेंटर पर ये 30 बना रहा है, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान हो जाएगा 50 माइनस 30, ठीक है 30 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 10 डिग्री, ठीक है। चलिए बस डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर है, ए एक्स पी जो है ये 56 डिग्री है, ए एक्स पी मतलब ये वाला एंगल जो है ये 56 डिग्री है, कितना है 56 डिग्री, और ए ओ बी का मान आपको निकालना है, ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है बताइए भाई कैसे निकलेगा ए ओ बी। देखिए पहले तो आपको मैं नॉर्मल तरीके से बता देता हूं, फिर इसको और भी एक शॉर्ट ट्रिक है उसको भी समझ लेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो आप यहां पर समझना कि ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है ठीक है, क्योंकि सेंटर यहां पर ओ है और ओ से पास हो रहा है पी क्यू, तो ये सेमी सर्कल होगा। सेमी सर्कल पे कोई भी कोण बनता है तो 90 डिग्री का बनता है, मतलब ट्रायंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू की बात करें, एंगल पी ए क्यू की अगर मैं बात करूं तो एंगल पी ए क्यू 90 डिग्री होता है, एंगल पी ए क्यू क्या होता है 90 डिग्री होता है। इसमें से अगर ए एक्स पी की बात करें तो 56 डिग्री यही ले गया, तो क्या आप मुझे इसका वैल्यू बता पाएंगे एंगल ए पी बी का, क्योंकि देखिए भाई ये ए एक्स पी जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसमें से ए पी एक्स या आप इसको ए पी बी भी बोल दीजिए बात सेम, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री, और 90 डिग्री माइनस 56 का मतलब कितना हो गया, इसको माइनस कर देंगे तो यहां पर 4 आ रहा है और ये बन जाएगा 8 माइनस इतना है, मतलब 34 डिग्री का, ये 34 डिग्री आ गया। ये 34 डिग्री किसने बनाया तो आप कहोगे सर ये तो एबी कॉर्ड बना रहा है, और एबी कॉर्ड अगर सर्कल पर 34 बना रहा है तो एबी कॉर्ड सेंटर पर कितना बनाएगा, 34 का दुगना बनाएगा जो कि हो जाएगा 68 डिग्री का, 68 डिग्री का एक तरीका ये। दूसरा तरीका समझिए, यहां पर बहुत सिंपल तरीका है ये भी, जितना आप अच्छे से इस थ्योरम को समझेंगे उतना ही आपका इस सवाल को देखने का नजरिया बदलते जाएगा। देखिए यहां पर समझिए ये ए एक्स पी एंगल है क्या, ए एक्स पी एंगल है भाई, ये ए क्यू एक कॉर्ड दिखाई दे रहा है और बीपी एक कॉर्ड दिखाई दे रहा है, ये दोनों कॉर्ड जहां पे मिले वहां पर ए एक्स पी बना, बराबर है, तो एंगल ए एक्स पी बराबर क्या होना चाहिए, जो ए पी सेंटर पर बनाए मतलब एंगल ए ओ पी प्लस जो एंगल बी क्यू सेंटर पर बनाए मतलब एंगल बी ओ क्यू, इसका जो आधा होगा वो ए एक्स पी के बराबर होगा, और ये कितना है 56 डिग्री है, ये कितना है 56 डिग्री है, मतलब देखिए 56 डिग्री बराबर इतना है तो दो को दूसरे तरफ भेज देंगे मतलब ये हो जाएगा 112 डिग्री, 112 डिग्री, 112 डिग्री क्या है भाई, तो देखिए समझिएगा यहां पर 112 डिग्री है ये वाला एंगल, एंगल ए ओ पी प्लस ये वाला एंगल एंगल बी ओ क्यू, इन दोनों का जो सम है इन दोनों को जोड़ने पर जो वैल्यू आ रहा है वो 112 डिग्री आ रहा है। सवाल में आपको क्या निकालना था, सवाल में आपको निकालना था ए ओ बी एंगल, अगर ए ओ बी आपको निकालना है तो क्या आप ये जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर पूरा का पूरा 180 डिग्री होता है, ज्योमेट्री के पहले ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो पूरे एंगल्स बनते हैं इसका सम 180 होता है, जिसमें से 112 डिग्री अगर ए ओ पी और बी ओ क्यू ले जाए तो यहां पर बचा हुआ जो रहेगा एंगल ए ओ बी के लिए ये हो जाएगा भाई 180 माइनस 112, इसको माइनस कर लीजिए तो यहां 8 आ रहा है, ये बन गया 7 में से 1 गया तो बचा 68 डिग्री, इस तरीके से भी आप 68 डिग्री निकाल सकते हैं। तो दो तरीके हैं, जो हमने इंटरसेक्शन वाला जो फॉर्मूला देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी के ऊपर एसएससी के पेपर में बहुत बार इसका सवाल आता है, आगे भी आने के चांसेस है, लेकिन इस तरीके के प्रश्न को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इंटरसेक्शन वाले फॉर्मूले से, और आप चाहे तो ऐसा 90 डिग्री लेकर भी आप बना सकते हैं जैसा हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद यहां पे आपको बी ए क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 52 डिग्री, इन द गिवन फिगर वैल्यू ऑफ ओपी क्यू आपको फाइंड करना है, ओपी क्यू कहां है देखिए, ओपी क्यू मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करने को बोला गया, बी ए क्यू का वैल्यू जो है वो 52 डिग्री दिया हुआ है, तो बी ए क्यू कहां है, बी ए क्यू यहां पर, साथ में बोला गया ए क्यू जो है पैरेलल है, ए क्यू पैरेलल है ओपी के, तो बी ए क्यू का वैल्यू अगर 52 डिग्री है 52 डिग्री है आपको निकालना है ओपी क्यू का वैल्यू, तो बताइए भाई कितना आएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली बात आपको समझना होगा कि रेडियस का उपयोग करना बहुत जरूरी है, रेडियस से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, तो मैं क्या करूंगा इस ओक्यू को जोड़ दूंगा, इस ओक्यू को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, ओक्यू को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो यह बात समझ में आएगी कि यहां से ये वाला एंगल जो है यह भी 52 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 52 डिग्री होगा, यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे, क्योंकि भाई ये 52 डिग्री इसलिए है आप समझ पाएंगे कि ट्रायंगल ए ओ क्यू जो है ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल है जिसमें कि ए ओ जो है
और OQ जो है ये दोनों के दोनों रेडियस बन गए इस सर्कल के। तो अगर OQ के पीछे 52 डिग्री बन रहा है तो AQ के पीछे भी तो 52 डिग्री बनना चाहिए, करेक्ट। इसके बाद समझिएगा कि यहां पर दिया हुआ है AQ जो है AQ पैरेलल है OP के। अगर AQ OP के पैरेलल है तो ये जो OQ है ये क्या बन गया, एक ट्रांसवर्सल बन गया कि नहीं, ये एक ट्रांसवर्सल बन गया। और ट्रांसवर्सल बनने से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, तो यहां 52 डिग्री बना तो यहां पर भी 52 डिग्री बनेगा। मतलब ये जो ट्रायंगल POQ है इसमें एंगल POQ बराबर 52 डिग्री होना चाहिए, ठीक। अब आपको जो फाइंड करना है वो है एंगल OPQ, जिसको मैं थीटा ले लेता हूं। OPQ को हमने क्या लिया, थीटा ले लिया। अब ट्रायंगल POQ भी तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है जिसमें OQ और OP बराबर है, OQ और OP बराबर है, दोनों के दोनों त्रिज्या है, दोनों के दोनों रेडियस है। तो OQ के पीछे थीटा बना तो OP के पीछे भी थीटा बनेगा। अब इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ट्रायंगल POQ में थीटा प्लस 52 डिग्री, मतलब थीटा प्लस थीटा हो गया 2 थीटा प्लस 52 डिग्री जो है ये 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब 2 थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 128 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 64 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ए जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, यहां दिया हुआ है एपीबी प्लस एक्यूडी का वैल्यू निकालना है। तो एपीबी कहां, एक्यूडी कहां, एपीबी एपीबी मतलब ये वाला एंगल थीटा, ठीक, इसको थीटा मान लेते या अल्फा मान लेते, ठीक है, अल्फा। एपीबी अल्फा है और एक्यूडी ये वाला बीटा है। आपको सवाल में अल्फा प्लस बीटा निकालना है, आपको सवाल में क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए बस आपको दिया 65 डिग्री है, इसी से आपको सारी चीजें करनी है। तो देखिए सममुख्य कोण वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये वाला एंगल भी 65 डिग्री होगा, करेक्ट। यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे। देखिए अब यहां से हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक दिखाई दे रहा है एबीसीडी, उसी को कुछ यहां पर यूज करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप देख पाए यहां पर एंगल एडीसी, ये एडीसी एंगल जो है ये इस ट्रायंगल पीसीडी का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल बराबर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो ये वाला एंगल जो होगा अल्फा प्लस 65 डिग्री के बराबर होगा। साथ में ये जो एंगल दिख रहा है सीबीए, ये जो सीबीए एंगल है ट्रायंगल बीसीक्यू का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल बराबर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये एंगल बी यानी बीटा प्लस 65 डिग्री के बराबर होगा। यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे। एक बार हमने एंगल बी की बात की, एक बार हमने एंगल बी डी की बात की। और एंगल बी और एंगल डी है क्या, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी का जो वैल्यू होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी का जो वैल्यू होगा ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्लियर। तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो अल्फा प्लस अल्फा दो बार आ गया, अल्फा और बीटा दो बार आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा, और 65 डिग्री दो बार है तो 65 प्लस 65 हो जाएगा 130 डिग्री। इन दोनों का जो सम है ये 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जिसका सम 180 होता है। इसके तहत आप लिख सकते हैं बी प्लस डी इक्वल टू 180, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा ये हो जाएगा 180 माइनस 130 मतलब 50 डिग्री, ठीक। तो ए जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां दिया हुआ इन द गिवन फिगर बिलो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सीबीए, सीबीए का वैल्यू आपको निकालना है। तो सीबीए मतलब ये वाला एंगल आपको निकालने को बोला जा रहा है। आपको जो वैल्यूज दिए वो वहां पे दिया हुआ है 30 डिग्री और ये 75 डिग्री का, और बाकी चीजें आपको जो है समझना है वो डायग्राम से समझना है। तो समझते हैं, आइए समझिए। देखिए जैसे कि दिया हुआ है सी क्यू आर, एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल सी क्यू आर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। इसमें 75 डिग्री क्या है, 75 एक एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, जिसमें से एक अगर 30 डिग्री हो गया तो दूसरा जो एंगल सी क्यू आर है, एंगल सी क्यू आर बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 75 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक। मतलब ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, एंगल 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ये 45 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू जो है 45 डिग्री का है, ठीक है, ये 45 डिग्री का हो गया। अब समझिएगा यहां से सममुख्य कोण से ये वाला एंगल जो है ये भी 45 डिग्री होगा, मतलब एंगल बी क्यू पी, एंगल बी क्यू पी जो है
ये कोण और CQR ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यानी कि समुख्य कोण है, तो यहां से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब इस एंगल तक कैसे पहुंचे? देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो हमने सीखा उसके तहत आप ये चीज नोट डाउन करेंगे कि यहां पर ACQP ये जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल P प्लस एंगल C जो है 180 होना चाहिए, जिसमें से एंगल C 75 हो गया तो ये 105 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है? 105 कैसे, 180 डिग्री माइनस 75 से। एंगल P प्लस C जो अभी अभी प्रॉपर्टी हमने देखा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट सम जो है उसका एंगल्स का सम जो है 180 होता है, तो अगर एक 75 तो ये दूसरा 180 माइनस 75 105 होगा। फिर से एक बार देखिए ट्रायंगल बीपीक्यू को, ट्रायंगल बीपीक्यू में बीक्यूपी का वैल्यू है 45, एक्सटीरियर एंगल है पी का जिसका वैल्यू है 105, तो यहां से आपको जो फाइंड करना है सीबीए, ये सीबीए क्या है, क्यूबीपी और सीबीए एक ही बात है ना, सीबीए कह लो या क्यूबीपी कह लो, एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, तो 105 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है, एक इंटीरियर एंगल ऑपोजिट में 45 डिग्री दिया, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए 60 डिग्री जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है 60 डिग्री जो है डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गया? अगला सवाल PSR, PSR का वैल्यू 105 डिग्री है, साथ में आपको QPR का वैल्यू निकालना है, PQ डायमीटर है, सबसे बड़ा क्लू डायमीटर, डायमीटर देखते साथ समझ में आता है कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये 105 है तो अभी अभी देखा कि ये 75 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है? एंगल S प्लस एंगल Q, PQSR एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपके यहां पर एक चतुर्भुज के सारे जो बिंदु हैं वो आपके सर्कल पे लाए करते हैं, इससे आप अगर ये दोनों 180 डिग्री बन गया तो एंगल Q बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 105 डिग्री, जो कि कितना हो गया, तो 75 डिग्री हो गया। अगर ये 75 है ये 90 है, तो ये वाला 90 माइनस 75 होगा, मतलब 15 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, क्यू पी आर जो है 15 डिग्री के बराबर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। यहां तक समझ में आ गई चीजें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इन विच ए डी और बी सी को प्रोड्यूस किया जाता है पी तक, तो इस तरीके से डायग्राम बनाना होगा इसका, ठीक है, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमने किसको किसको प्रोड्यूस किया है, एडी और बीसी को प्रोड्यूस करते हैं, तो एडी को प्रोड्यूस किया, बीसी को भी प्रोड्यूस किया, तो एडी और बीसी को प्रोड्यूस किया कहां तक, पी तक, साथ में बोला गया है साइड डीसी और एबी को, साइड डीसी ये बीसी है ना, बी है ये, साइड डीसी को और एबी को भी हम प्रोड्यूस करते हैं, ये दोनों मीट करते हैं यहां पर एक पॉइंट है क्यू पर, ये पॉइंट क्यू है, एंगल ए बराबर 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, और एंगल ए बी सी बराबर 72 डिग्री है, 72 डिग्री। आपको बताना है एंगल डी पी सी, मतलब ये अल्फा, इसको मान लेते हैं अल्फा, माइनस बी क्यू सी, मतलब इसको मान लेते हैं बीटा, तो आपको अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बताना है कितना होगा, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, कोशिश करेंगे यहां पर इसको सॉल्व करने की, ठीक है, तो इस सवाल में आपको क्या निकालना है, डीपीसी माइनस बीक्यूसी मतलब कि अल्फा माइनस बीटा, तो आइए सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात हमने क्या देखा है, हमने देखा है एक्सटीरियर एंगल जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो अगर यहां 60 डिग्री बन रहा है मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये वाला एक्सटीरियर एंगल भी 60 डिग्री होगा, चाहे आप इस एंगल को बढ़ाइए चाहे इस एंगल को बढ़ाइए, दोनों एक्सटीरियर एंगल है, और अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल मतलब 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए, उसी प्रकार ये वाला 72 डिग्री ये वाले 72 डिग्री के बराबर होगा, तो दो चीजें पता चलती है इससे। सबसे पहली बात आप समझेंगे कि ये जो एंगल ए बी सी है, ए बी सी ट्रायंगल सी क्यू बी का एक्सटीरियर एंगल है, तो जो 72 डिग्री है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है, मतलब बीटा प्लस 60 डिग्री के बराबर होगा 72 डिग्री, यहां से बीटा का सीधा सीधा वैल्यू पता चल गया कि 12 डिग्री है, 12 डिग्री है डायरेक्ट पता चल गया। अब इस कोण में आ जाइए, इस कोण में अल्फा प्लस बीटा प्लस मतलब अल्फा प्लस 72 प्लस 60 डिग्री, तीन एंगल है, तीनों एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल में हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस 72 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर किसके हैं, तो 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए 180 में 60 माइनस कर लीजिए 120 हुआ, 120 में इसको 72 को भी माइनस कर लीजिए,
ठीक है, तो 70 होता तो 50 आना था, लेकिन 72 है तो 50 में 2 और कम, यानी कि 48 डिग्री। ऐसे आप ओरली माइनस कर सकते हैं। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 48 डिग्री। सवाल में क्या पूछ रहा है? सवाल में पूछ रहा है डीपीसी माइनस बीक्यूसी। तो डीपीसी माइनस बीक्यूसी को हमने क्या लिया है, अल्फा और बीटा। अल्फा माइनस बीटा कर लीजिए 48 डिग्री, माइनस 12 डिग्री, दोनों को माइनस करने पर आ गया 36 डिग्री। तो 36 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। तो ए जो है सवाल का सही उत्तर है। यहां तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें टेंजेंट जो है वो सर्कल को ए और सी पॉइंट पर है और इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पी पर। एबीसी का वैल्यू दिया हुआ है 82 डिग्री, तो एपीसी का वैल्यू क्या है बताना है। देखिए समझिएगा, सवाल तो आसान है। देखिए जब भी दो टेंजेंट पॉइंट पर मीट कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट जो है ए और बी, ठीक है, एबीसीडी जो है चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए और सी पर जो स्पर्श रेखा बनाई गई ये जाकर मिली पॉइंट पी पर। अब देखिए आपको एबीसी का वैल्यू दिया 82 डिग्री। थ्योरी पार्ट में मैंने आपको बताया था एक न्यून कोण होता है एक अधिक कोण होता है। न्यून कोण इधर वाला होता है, मतलब यहां पर बी होगा और डी पॉइंट यहां कहीं पे आएगा। आपको इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 82 डिग्री दिया हुआ है। देखिए थ्योरी पार्ट में हमने ये डिस्कशन करके रखा हुआ है कि अगर ये थीटा होता है तो इधर वाला जो कोण होता है ये जो एंगल भी होता है 90 डिग्री माइनस का थीटा बाय 2 होता है। अब इस 82 को देखकर समझ में आता है 90 डिग्री में माइनस 8 डिग्री हुआ है और थीटा बाय 2 8 के बराबर होगा तो थीटा किसके हो जाएगा, तो 16 डिग्री के बराबर हो जाएगा। थीटा 16 डिग्री के बराबर हो जाएगा, मतलब ये जो एंगल है ये सी है। क्लियर? अगला सवाल देखिए, यहां पर सेम है लेकिन अब यहां पर एबीसी 100 डिग्री दिया, तो देखना बस कि 90 डिग्री में प्लस 10 डिग्री करने पर इतना बनता है, तो ये वाला जो है इसका दुगना होगा 20 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इतना ही आपको पेन चलाना है, बस समझिए। यहां पर पूरा फिगर भी अगर आप बनाएंगे तो वही होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए और सी पर जो जो दो टेंजेंट बने वो यहां पर जाके मिला पी पर, तो ये ए है ये सी है। अब जाहिर सी बात है अगर बोल रहा है एबीसी अगर 100 डिग्री है तो 100 डिग्री यहां पर ही बन सकता है अधिक कोण, तो बी को यहां होना पड़ेगा जो कि 100 डिग्री है, डी यहां कहीं पे बनेगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या है, अगर ये थीटा है ना तो ये वाला जो एंगल होता है 90 डिग्री प्लस का थीटा बाय 2 होता है, प्लस का थीटा बाय 2। 90 डिग्री में अगर 10 बढ़ा तो 10 क्या है थीटा बाय 2 के बराबर है, तो थीटा बराबर 20 डिग्री हो जाएगा एंगल बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें ओ सेंटर है, एबीसीडी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एसी डायमीटर है, ए बी और डी सी को प्रोड्यूस करते हैं तो मीट करता है ई पर। एंगल सी ई का वैल्यू है 34 डिग्री, एंगल ई का वैल्यू है 30 डिग्री, तो सी बी डी क्या है। देखिए जब डायग्राम नहीं दिया है तो डायग्राम बनाना अनिवार्य हो जाता है। तो ए बी सी डी हम बना लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसमें ए सी व्यास है, तो ए सी को व्यास बनाना होगा, ये ए सी व्यास बन गया, ठीक है। अब ए बी सी डी आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया था तो मैं ए बी सी डी कुछ इस तरीके से बना देता हूं, ठीक है। ए बी सी और डी आपको बताया गया है कि ए बी को बढ़ाना है डीसी को बढ़ाना है, तो ए बी को बढ़ा देते हैं इस तरीके से, डीसी को बढ़ा देते हैं इस तरीके से, तो यहां कहीं पर जाकर ये मीट करेंगे, ठीक है। ए बी और डीसी को हमने बढ़ाया इस तरीके से, मीट करा दिया पॉइंट डी पर। अब सवाल में दिया हुआ है सी ए ई एंगल, ढूंढिए भाई सी ए ई कहां है। अच्छा ये ई पर जाके मीट करता है ना, ई है ये सी ए ई, मतलब ये वाला कोण जो है ये वाला कोण है 34 डिग्री, 34 डिग्री। साथ में दिया हुआ है एंगल ई जो है ये वाला एंगल है ई जो कि है 30 डिग्री के बराबर, करेक्ट। आपको निकालना है सीबीडी, सीबीडी कहां है ढूंढिए, सीबीडी, सीबीडी मतलब आपको ये वाला कोण निकालने को बोला जा रहा है सीबीडी, ये वाला कोण, ठीक है। कैसे निकालेंगे चलिए समझते हैं इसको, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। देखिए अगर हम देखें यहां से इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हम बात करें तो जो सीबीडी एंगल है वही एंगल जो है ये वाला भी होगा सीएडी। तो अगर मैं सीएडी निकाल लूं तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि सीएडी निकालना बहुत आसान है। कैसे आसान है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आपको सबसे बड़ा क्लू यही दिया हुआ है, सबसे बड़ा क्लू यही है कि ये जो है ये पूरा ये आपका एक डायमीटर है, तो अगर ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि डायमीटर पर कोई भी एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है, तो सी डी ए एंगल 90 डिग्री होगा। अब इस बड़े से ट्रायंगल को थोड़ा सा नजर लगाइए, इस बड़े से ट्रायंगल में, इस बड़े से ट्रायंगल पे थोड़ा सा नजर लगाइए, ये पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें से अगर ये 30 डिग्री है तो ये पूरा एंगल सी डी ए ई एंगल, एंगल डी ए ई बराबर क्या होगा 90 डिग्री माइनस 30 हो जाएगा जो कि 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री क्या है थीटा प्लस 34, थीटा प्लस 34 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू है 26 डिग्री।
अगर ये थीटा 26 डिग्री है तो ये एंगल भी तो मतलब सी बी डी जो निकालना था वो भी तो 26 डिग्री होगा, मतलब सी जो है ये 26 डिग्री हो जाएगा 26 डिग्री। क्लियर? इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं, और भी कोई तरीका होगा लेकिन ये भी बहुत आसान तरीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ जिसमें बीपी और सीक्यू परपेंडिकुलर है साइड्स एसी और एबी पर। बीएसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, बीएसी का वैल्यू दिया हुआ है 42 डिग्री। पीडीक्यू का वैल्यू आपको निकालना है, पीडीक्यू का। चलिए अब देखिए, यहां से जब भी आप दो अल्टीट्यूड बनाते हैं तो हमेशा आप समझिएगा इस बात को, दो अल्टीट्यूड बनाने पर हमेशा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। देखिए अगर मैं यहां पर इस पॉइंट को, इसको डायमीटर बना दूं, इसको डायमीटर बनाकर एक सेमी सर्कल बनाऊं, तो ये सेमी सर्कल इससे भी पार होगा, ये सेमी सर्कल इससे भी पार होगा, तो सेमी सर्कल कुछ इस तरीके से यहां से निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, क्योंकि देखिए सेमी सर्कल पर कोई भी एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। दूसरी बात क्या हुआ, डी जो है बीसी का मध्य है, तो डी जब जैसे ही बीसी का मध्य होगा तो सेमी सर्कल का जो सेंटर होगा ये पॉइंट डी ही होगा। बात समझ में आ रही है? अब यहां से आपको बोला गया है बीएसी एंगल, ये वाला एंगल 42 डिग्री है, आपको निकालना कौन सा है, पीडीक्यू। पीडीक्यू मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत सारे तरीके हैं इसको भी सॉल्व करने का। सबसे पहली बात आप समझिए, यहां पर ये बीपीसी जो है 90 डिग्री है, मतलब ये भी 90 डिग्री ही होगा। बीपी जो है परपेंडिकुलर हो गया ना एसी पर, तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते कि नहीं, एंगल बीपीए। क्योंकि देखिए आप देख पा रहे होंगे ट्रायंगल एबीपी जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीपी जो है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें 90 डिग्री, ये अगर 42 है तो एंगल ये वाला होगा, ये वाला एंगल जो होगा 90 डिग्री माइनस का 42 डिग्री होगा, मतलब कितना, तो 48 डिग्री का, ये वाला 48 डिग्री हो गया। अगर ये 48 डिग्री है तो आप बताइए भाई पीक्यू का जो है सर्कल पर जो एंगल बना वो 48 डिग्री का बना, तो सेंटर पर जो बनेगा ये इसका दुगना बनेगा, जो कि 96 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और एक तरीका ये हो सकता है कि आप यहां पर समझिए हो क्या रहा है, ये जो बीक्यू है ये कॉर्ड है और पीसी जो है ये भी एक कॉर्ड है, इन दोनों को हमने बढ़ाया यहां पर जाके मिला। तो एक चीज आप जानते हैं कि यहां पर जो एंगल बनाता है सेंटर पर और ये जो एंगल बनाता है सेंटर पर, इन दोनों के डिफरेंस का वैल्यू होता है 42। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ इंटू एंगल बीडीसी माइनस एंगल जो फाइंड करना है पीडीक्यू, इसका वैल्यू जो है ये आपके एंगल बीएसी के बराबर होगा, यानी 42 डिग्री के बराबर। ये हमने कई बार देख लिया। अब इसमें भी ये चीज अप्लाई हो रहा है, हालांकि देखने का नजरिया है कि आप उस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर आप BQ को बढ़ाएंगे यहां पर, PC को बढ़ाएंगे, यहां मिला, तो हम कई बार देखे हैं यहां पर आप जो एंगल BC जो सेंटर पर बनाता है, जो कि यहां पर डायमीटर है, तो ये तो 180 डिग्री बनाएगा, मतलब ये हो गया 180 डिग्री। माइनस PDQ जो कि यहां सेंटर पर बनाया गया है PQ के द्वारा, तो 2 यहां पर जाएगा, यह बन जाएगा आपका 84 डिग्री। मतलब एंगल पी डी क्यू कुछ और नहीं है, 180 डिग्री माइनस 84 है, जो कि 96 डिग्री होगा। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जो आपको आसान लग रहा है उसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ ए बी इज अ डायमीटर सी डी क्यू आर सी डी आर पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ ए बी सच दैट ए बी ई डी सी इज अ पेंटागन। ठीक है, अब ए सी डी का प्लस सम ऑफ ए सी डी प्लस डी ई बी निकालना है आपको। तो देखिए एक सर्कल बना दिया गया, इसमें बोला गया AB इसका व्यास है, तो AB व्यास है, साथ में इसमें CDE इस तरीके से लेना है कि AB ECD जो है साइक्लिक हो जाएंगे, तो E यहां पर, D यहां पर, C यहां पर, इस तरीके से ले लेते हैं, तो CDE हमने इस तरीके से यहां पर बना दिया। ठीक, चलिए अब यहां से समझते हैं कि क्या चीजें दी हुई है और क्या फाइंड करना है। देखिए हमको फाइंड करना है ACD, ACD मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, और प्लस हमको क्या फाइंड करना है DEB मतलब ये वाला एंगल, DEB मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का सम निकालना है, ये वाले एंगल का प्लस ये वाला एंगल का। देखिए जब भी डायमीटर बन गया AB तो 90 डिग्री का यूज अवश्य करिए। अगर मैं यहां से किसी को भी जोड़ दूं, जैसे कि मैं अगर CB को जोड़ दूं, तो ये वाला जो एंगल है ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब बाकी जो बचा वो क्या बचा, एक बचा भाई ये वाला एंगल अल्फा और ये बचा बीटा। अब आप थोड़ा गौर से देखिए ये बी सी डी ई क्या है, बी सी डी ई चक्रीय चतुर्भुज है, बी सी डी ई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अल्फा प्लस बीटा जो होगा, ये अल्फा प्लस बीटा जो होगा ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए।
अब हमें जो निकालना था वो एसीडी एंगल निकालना था प्लस डीईवी। अब एसीडी है क्या? एसीडी का मतलब ये 90 डिग्री प्लस अल्फा है, मतलब 90 डिग्री प्लस अल्फा जो है एसीडी का वैल्यू, और ये जो बीईडी है ठीक है या डीईबी है इसका वैल्यू क्या है? बीटा है। मतलब सवाल में हमसे कुछ और नहीं पूछ रहा, 90 डिग्री प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला 180 है, तो 90 डिग्री प्लस 180 मतलब इन दोनों का जो सम होगा एसीडी का प्लस डीईबी का वो कुछ और नहीं होगा 270 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री 270, यानी बी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है। यहां पर दिया हुआ एंगल बी ए एक्स, बी ए एक्स यानी कि देखिए ओ इसका केंद्र है, ओ इसके केंद्र है, वाई ए एक्स टेंजेंट है, बी ए एक्स एंगल दिया हुआ है। तो देखिए बी ए बी एक कॉर्ड है, बी ए एक्स एंगल जो है ये पूरा का पूरा 70 डिग्री है, और बी ए क्यू है, बी ए क्यू मतलब यहां से जो ऊपर वाला जो एंगल बना ये 40 डिग्री का बना। आपको जो निकालना है एंगल वो ए बी क्यू निकालना है, मतलब ए बी क्यू मतलब ये छोटा सा जो एंगल बना हुआ है इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए भाई समझिएगा, यहां से आपको दिया है ये 70 है और ये 40 है, तो यहां से जो छोटा सा एंगल बनेगा क्यू ए एक्स, क्यू ए एक्स एंगल, एंगल क्यू ए एक्स के बारे में आप क्या बता सकते हैं? एंगल क्यू ए एक्स हो जाएगा एंगल बी ए एक्स माइनस एंगल बी ए क्यू। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है? देखिए भाई क्यू ए एक्स मतलब ये वाला एंगल, यहां से लेकर यहां पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल जो होगा ये पूरा का पूरा बी ए एक्स माइनस एंगल बी ए क्यू होगा, और बी ए क्यू का वैल्यू 40 डिग्री दिया हुआ है आपको और इसका वैल्यू 70 डिग्री दिया हुआ है, दोनों को माइनस कर लेंगे तो 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री। मतलब यहां से जो छोटा सा एंगल बना ये कितना है? 30 डिग्री होगा। अगर ये कॉर्ड है ये टेंजेंट है, अगर ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट और कॉर्ड को देखते साथ आपको याद आना चाहिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। कई बार मैंने बताया जब भी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का क्वेश्चन बनता है तो ये बनता नहीं है, समझ में भी नहीं आता कि यहां पर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लग रहा है। ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है, इस कॉर्ड ने इस टेंजेंट के साथ यहां पर 30 डिग्री बनाया, तो दूसरा सेगमेंट ये छोटा सा एक सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट ये पूरा बड़ा सा एक सेगमेंट दिख रहा होगा आपको, तो दूसरे सेगमेंट में जो एंगल बना ABQ ये भी इसके बराबर ही होता है, मतलब एंगल ABQ जो है वो भी 30 डिग्री होगा। ABQ आपको फाइंड करना था, 30 डिग्री इसका उत्तर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्योंकि जब अब हम यहां पर हमने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम देख लिया, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के तहत ही आप अब चीजों को सोचने की कोशिश करना, क्योंकि वही अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे। ACX का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए क्या क्या इन द गिवन फिगर। AB डायमीटर है सबसे पहली बात, O सेंटर है, XY टेंजेंट है पॉइंट C पर, और ACX का वैल्यू दिया 35 डिग्री। ACX 35 डिग्री है, 35 डिग्री आपको निकालना है, CAB एंगल मतलब ये वाला एंगल। तो सिंपल है ना, अगर ये 35 है तो AC दूसरे सेगमेंट पर, दूसरे साइड पर, मतलब देखिए यहां एक सेगमेंट के साथ इसने टेंजेंट पर जो एंगल बनाया 35 बनाया, तो सेगमेंट के दूसरे साइड में यहां पर भी 35 डिग्री बनाएगा। ये डायमीटर है तो डायमीटर जो होता है 90 डिग्री बनाता है, अगर ये 90 है तो एंगल CAB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ 35 डिग्री, और माइनस करने पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 55 डिग्री का, 55 डिग्री जो है ये सी का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी सवाल देखते हैं। ये सवाल जो है यहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। CAD एंगल दिया हुआ है आपको, एंगल CAD का वैल्यू दिया है गिवन फिगर में, CAD कहां है? ये वाला एंगल दिया हुआ है, कितना है? तो 38 डिग्री है, और आपको दिया हुआ है कौन सा? CDA एंगल, तो CDA ये वाला एंगल है, ये आपका कितना है? तो 49 डिग्री। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है यहां पर BC द्वारा केंद्र में बना हुआ कोण, तो फाइंड द सेंट्रल एंगल मेड बाय कॉर्ड BC, तो BC कॉर्ड दिख रहा है सेंटर पे कितना बनाया ये चाहिए आपको। सिंपल है भाई, अगर सेंटर पे आपको एंगल चाहिए तो पहले आपको ऊपर वाला एंगल निकालना होगा, ऊपर वाला एंगल निकल गया तो उसका दुगना यहां पर बनता है। ठीक, कैसे निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जो एंगल ACB है, ये एंगल ACB का वैल्यू निकालना बहुत आसान है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ACD, कोई भी एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो यहां 38 दिख रहा है, यहां 49 दिख रहा है, दोनों को जोड़ोगे तो यहां 87 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 87, 38 प्लस 49 करने पर, देखिए एक को यहां भेज देते 50 बन गया, 37 बन गया, 50 प्लस 37 87 डिग्री हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब आप मुझे बता सकते हैं AB का वैल्यू क्या होगा, एंगल ABC का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि देखिए भाई यहां डायग्राम आपको देखकर समझना होगा कि ये जो है AD एक टेंजेंट है, साथ में AC एक कॉर्ड है,
इस कॉर्ड ने इस छोटे वाले सेगमेंट में 38 डिग्री बनाया, तो ये कॉर्ड दूसरे साइड में कहीं पर भी जाकर एंगल बनाए तो एबीसी का वैल्यू भी 38 डिग्री होगा। तो यहां पर दो एंगल तो निकल ही गए, ये 38 डिग्री और ये 87 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे और 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो बीएसी का वैल्यू आ जाएगा। तो पहले तो इन दोनों को जोड़िए, 38 डिग्री को और 87 डिग्री को, दोनों को जोड़ने पर यहां 15 आएगा और ये 12, 125 डिग्री हो गया यहां पर इन दोनों का वैल्यू। तो एंगल बीएसी क्या है, एंगल बीएसी क्या होगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 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 180 होता है, जिसमें से 38 और यहां पर 87 गया तो इन दोनों का सम 125 आ रहा है, तो इसको माइनस कर देते, यहां 5 बचेगा, ये बन जाएगा 7, 7 में से इतना गया तो बचा 55 डिग्री। अब एंगल बीएसी जो है ये 55 डिग्री है, तो एंगल बीओसी जो कि सेंटर पर बीसी बना रहा है, सेंटर पर बीसी कितना बनाया, केंद्र पर बीसी बनाया बीओसी, तो बीओसी एंगल हो जाएगा इसका दुगना, 55 डिग्री का दुगना, जो कि हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री होगा। तो अब मैं यहां पर इस वीडियो को रोकता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हमने यहां पर एंगल्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं सर्कल्स के ऊपर वो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आशा करता हूं ये वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे हल करना है। वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन हाई रहता है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड हो रहा है इसमें हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आए और बेहतर कंटेंट के साथ आपके साथ यहां पर हम शेयर करें चीजों को। तो चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ अब मैं इस वीडियो को रोकता हूं। सर्कल्स की सीरीज चालू रहेगी, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम क्वाड्स देखेंगे। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही।